अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम। अरे दोस्तों, आज सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो अभी तकरीबन जुम्मे का टाइम ख़त्म हुई है, तो अभी हम लोग बाहर आए हैं ज़रा। तो यहाँ पे आप बोल रहे फिर यहाँ पे ना मौसम भी काफ़ी खुशगवार हुआ है, तो हवा भी बड़ी चस वाली चल रही है, बड़ी बेहतरीन किस्म की हवा चल रही है यहाँ पे। तो अभी दिखाते हैं आपको क्या सीन है, किस तरह का मौसम है, क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। ये मेरा छोटा भाई था, कह रहा था मैंने भी आना है वीडियो में। मैंने कहा जो सर आपकी वीडियो है, हम तो यहाँ बस वैसे बना रहे हैं। गाँव में रास्ते कच्चे हैं, तो इस वजह से जब हल्की सी भी बारिश हो तो यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो जाता है। अभी देखें ये रास्ता किस तरह का, सारा ये कीचड़ से भरा हुआ है। हम भी इसी रास्ते पे चल के आए हैं, किस तरह खेत हैं थोड़े से, माशाल्लाह काफ़ी ये बारिश के बाद ना बहुत प्यारा यहाँ पे सीन होता है। तो ट्यूबवेल का ये सीन है कि हर बंदे ने यहाँ पे अपना अपना लगाया हुआ है, मतलब जिसके खेत कोई दो तीन खेत इकट्ठे हैं ना, तो उन्होंने वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा दिया है। ये देखें ना, एक ये सामने है, एक उसके साथ है, एक जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। वैसे पानी तो यहाँ पे नहरी भी है, हमारे पास नहर भी है, लेकिन फिर भी जब वहाँ पे बारिश ना हो तो फिर यहाँ से ट्यूबवेल चला लेते हैं, ज़रा इजी काम रह जाता है। ये चावल की फसल है यहाँ भी, माशाल्लाह अभी दाने वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं, और बस जल्दी महीने आधे तक ये पक जानी है, फिर इंशाल्लाह उसकी भी आपको सारी वीडियो दिखाएंगे। इसे मैंने संगल से बांधा था, लेकिन अब्बू कहते थे कि मुझे तरस आता है, संगल से इसे ना बांधो। और फिर इसे रस्सी से बांधते हैं, तकरीबन दिन में 4-5 मरतबा रस्सी तोड़ता है, फिर और फिर बस मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे, और इसे कोई काम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये रोड पे ना कार लगी थी, तो ये काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, इलाज वगैरह किया इसका, तो अभी माशाल्लाह ठीक है काफ़ी। वेछड़ी जी? अच्छा अच्छा बताइए, खुला जा मार ना हो जी खाड़े नाह। बस ये भैंस इन्होंने तब्दील की है किसी की दूसरी भैंस से, अभी इसे छोड़ने जा रहे हैं वहाँ अगले गांव बाय रोड ही। आजकल आपको पता है ये जो लॉकडाउन की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हर चीज़ बंद है, बस इसी तरह मतलब ज़िंदगी चल रही है, सारा दिन गाँव में कोई काम नहीं है, तकरीबन एक तरह फारिग बिल्कुल वेले। बाकी हमारी तो दुआ है कि ये जो वबा आई है अल्लाह ताला इसे जल्दी ख़त्म करें, और जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्हें भी अल्लाह ताला सेहत दें, हमारा मुल्क तरक्की करे, बस ये एक हमारी जो दिली आरजू है इंशाल्लाह। तो अभी मैं गांव वापस जा रहा हूँ, असल में मैं यहाँ पे आया था थोड़ा सा चारा वगैरह डालना था जानवरों को, वो आप देख रहे हैं पीछे उधर, ये आप पीछे देख रहे हैं, इस तरफ देखें दो ये हैं और बाकी उस तरह हैं, तो ज़रा तो इन्हें ज़रा चारा वगैरह डाल लिया, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो आप सब से बस यही कहना कि मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ली, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।